स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फाइन। मैं आज आपका स्टैंडर्ड फिफ्थ का चैप्टर फर्स्ट लेने वाली हूँ, आइसक्रीम मैन, जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन देख ली थी और क्वेश्चन आंसर भी थोड़े बहुत सॉल्व किए थे आई थिंक। आज हाँ, हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे। तो अब जहाँ से हमारी एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है, अब वहाँ से हम वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन सिक्स है वहाँ पर पहुँचे थे, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सिक्स था, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें अच्छी लगती है समर्स में, सीज़न में, तो उसमें आंसर लिखना है हमें स्विमिंग, ट्रैकिंग, गोइंग फॉर पिकनिक इन द इवनिंग, ड्राइंग, स्केटिंग, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड क्रिकेट। ये जो सारी एक्टिविटीज़ है वो समर्स में हमें करनी बहुत अच्छी लगती है। सेवन क्वेश्चन है, नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटी इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। तो हमें यहाँ पर इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ लिखनी है। तो इंडोर एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ का समावेश होता है? तो जो चार दीवारें होती हैं, जैसे कि क्लासरूम है, फिर हमारा घर है, उसमें जो एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं उससे इंडोर एक्टिविटीज़ कहते हैं। और आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी कि हम हमारे घर या स्कूल के बाहर करते हैं, जैसे कि हम गार्डन जाते हैं, स्कूल के जो प्लेइंग ग्राउंड होता है वहाँ में जाते हैं और वहाँ पर जो चीज़ खेलते हैं, वो जो सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उससे आउटडोर एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे हमें इंडोर एक्टिविटीज़ में लिखा है प्लेइंग इंडोर एक्टिविटीज़, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये सारी इंडोर एक्टिविटीज़ है। आप यहाँ पे आपकी तरफ से भी दूसरी एक्टिविटीज़ लिख सकते हो। और आउटडोर एक्टिविटीज़ में स्विमिंग, ट्रैकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, गोइंग फॉर पिकनिक, और ये जो सारी एक्टिविटीज़ है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ है। एट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड। क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। जब आइसक्रीम मैन आता है तो कौन कौन से साउंड है वो सुनाई देते, क्या क्या आवाज़ें आती है? तो आंसर इज, आई हियर साउंड ऑफ रिंगिंग अ बेल, आई हियर आइसक्रीम मैन क्रिस लाउडली, आई हियर द जॉयफुली शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन। जब आइसक्रीम मैन आता है तो आइसक्रीम मैन है वो ज़ोर से चिल्लाता है कि आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। और वो जैसे ही आता है तो उसकी जो वो साइकिल लेके आता है उस पर जो बेल होती है वो बेल की आवाज़ आती है। फिर आइसक्रीम मैन को देख के जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस होते हैं वो चिल्लाते हैं ना कि मुझे आइसक्रीम लेनी है, मुझे आइसक्रीम लेनी है, मुझे आइसक्रीम दो। ये जो साउंड है, ये जो सारे साउंड है वो सब जब आइसक्रीम मैन आता है तो सुनाई देते हैं। नाइन क्वेश्चन इज, हैव यू एवर इटन कुल्फी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड, बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। तो ये जो आइसक्रीम है वो नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पर हमें ये जो सेंटेंस है उसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ये आंसर है वो जो सेंटेंस है वो करेक्ट करें। यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है, द कुल्फी वाला टेक द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर्स। कुल्फी वाला है वो जो कुल्फी है वो पहले मोल्ड करता है। ही सॉक्स आउट द कुल्फी एंड अ प्लेट। तीसरा लिखा है, द अरेंज सम फालूदास अराउंड इट, फाइव, देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। तो जो आइसक्रीम मैन है वो पहले क्या करता है, मोल्ड करता है, फिर जो कुल्फी होती है उसको प्लेट में डालता है, फिर उसके आसपास फालूदा डालता है और उसके ऊपर वो
वो जो प्लेट के आसपास फिर वो सिरप डालता है, जो फ्लेवर वाले होते हैं ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ना पाइनएप्पल फ्लेवर, कलर कलर वाले जो सिरप होते हैं वो सिरप डालता है, और फिर वो जो कुल्फ़ी है वो बना के हमें वो प्लेट में सर्व करता है। फिर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 10 है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोयम। यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किए जो पोयम में जो वर्ड दिए गए हैं वो लिखने हैं, तो यहाँ पे आया है जॉयली, जॉयफुल, जॉयफुल साइट, फिर लिटल, कार्ड, राउंड और अम्ब्रेला। ये जो सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो पोयम में दिए गए हैं, जो वर्ड्स पोयम में दिए गए हैं, यहाँ पे अम्ब्रेला, फिर जॉयफुल, फिर क्या दिया था, जॉयफुल साइट, फिर लिटल कार्ट, राउंड अम्ब्रेला, ये सब हमें यहाँ ये पिक्चर में दिख रहा है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड अज डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड इन द पोयम फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें माउंट्स, फ्लावर्स और कस्टर्ड, तो उसका आंसर आता है कूलिंग ब्राउन एंड विथ वाइट माउंट्स, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स, वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और थिक क्लस्टर, थिक क्लस्टर। 12 क्वेश्चन, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग वर्ड्स, द कलर, द फ्लावर, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट एंड फील एक्सेट्रा। हमें यहाँ आइसक्रीम है, अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम हमें, आपको जो भी अच्छी लगती है वो आइसक्रीम बनानी है और उसका जो पिक्चर है वो आपको ड्रॉ करना है, और उसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, हर इज़ द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम्स, इट इज़ अ हग्स बार एंड लुक लाइक अ रॉकेट, इट हैज़ लेयर्स ऑफ कलर्स, वाइट एंड चॉकलेट, इट इज़ क्रीमी विथ जीनियस स्प्रिंकलिंग ऑफ नट्स, इट हैज़ एक्सोटिक टेस्ट, अ मिक्सचर ऑफ सर्वल फ्लेवर इन वन। 13 क्वेश्चन, हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, हर इज अ रिपोर्ट ऑन अंकल अंकल मिलास फार्म। तो यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसके यहाँ पे कुछ जो टॉपिक है किस किस बारे में हमें लिखना है वो सारे टॉपिक्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं, वो जो रिपोर्ट हमें तैयार करनी है उसके जो क्लूज़ है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टार्ट विथ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेंट्स द टॉपिक। मतलब हमें पहले क्या लिखना है, किस टॉपिक के बारे में लिखना है वो, मतलब यहाँ पे क्लूज़ दिए गए हुए हैं, और यहाँ पे हमने एक जो रिपोर्ट है वो लिखी भी है जो आप देख सकते हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ मैंने मेरी रिस से लिखी है, आप आपकी तरफ से एक रिपोर्ट लिखना, जैसे भी लिखना है वैसे लिखना। तो ये जो आइसक्रीम में जो चैप्टर हमने देखा था उसकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।